हर मुश्किल हो आसान, सबका है समाधान। राधे राधे, मैं आपकी एस्ट्रो दोस्त अर्चना अपने चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। ईश्वर आपकी सभी इच्छाएं मनोकामनाएं पूर्ण करें। हाजिर हूँ मैं अपने दोनों दिव्य प्रयोग अमृत की बूंद और कीवर्ड लेकर। इसके साथ ही राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय दूंगी। आपका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उसके लिए शुभ अंक देने वाली हूँ। इसके साथ ही अगर आपका दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है तो उस दुर्भाग्य को दूर करने का एक आपको अचूक उपाय दूंगी। तो आप पूरा वीडियो अंत तक देखें। मेरे ये दोनों प्रयोग अमृत की बूंद और कीवर्ड दोनों 9 ग्रहों पर आधारित हैं। आप किसी भी राशि के व्यक्ति हैं, आप किसी भी देश में रहते हैं, ये हर 10 वर्ष से लेकर 90 वर्ष तक के बच्चे से लेकर बुजुर्ग, स्त्री पुरुष सभी के लिए उपयोगी और प्रभावी हैं। अगर आप मानसिक तनाव झेल रहे हैं, आपको बार बार धन हानि हो रही है, आपको रिश्तों में कमियां आ रही हैं, आपके बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं, आपके घर में बीमारियों ने डेरा डाला हुआ है, तब आपके लिए मेरे ये एक एक मिनट के प्रयोग बहुत ही उपयोगी और प्रभावी हैं। इन एक एक मिनट के प्रयोगों को करके आप अपने जन्मांक के 9 ग्रहों को संतुलित कर सकते हैं। आप अपनी पीड़ाओं को शांत कर सकते हैं और उनसे सुफल प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो मेरे ये जो प्रयोग हैं वो आपको मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाते हैं। आपको मानसिक तनाव से मुक्ति पहले ही दिन से मिलना शुरू हो जाती है। तो इन प्रयोगों को आप स्वयं करें, अपने परिवार के सभी सदस्यों को कराएं। मेरे इन प्रयोगों के द्वारा, जो कि मात्र एक एक मिनट के प्रयोग हैं, जिसमें आपका ना तो धन खर्च होता है और ना ही आपका समय लगता है, मात्र छोटे छोटे से प्रयोग हैं जो कि किचन के सामान और साथ में एक अक्षर लिखने से आपकी समस्याएं हल हो सकती हैं। तो एक एक मिनट के प्रयोगों को करने में अगर हमें कुछ अच्छा मिल रहा है और शुभता मिल रही है तो हमें इन प्रयोगों को अवश्य कर लेना चाहिए। 16 अगस्त 2020 दिन रविवार, आज का राहु काल है 5:30 बजे से 7 बजे तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्य नहीं करना चाहिए। आज का अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:55 से 12:44 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको एक गुड़ की डली पर 2 बूंद देसी घी और 2 चुटकी हल्दी पाउडर रखकर आप ईस्ट को अर्पित करें। इसके बाद इसको आप गाय को खाने के लिए दे दें। और आपको, क्योंकि रविवार है, सूर्य की उपासना अवश्य करनी चाहिए। तो 5 मिनट के लिए स्नान के बाद एक आसन लेकर सूर्य के सामने खड़े हो जाएं और हाथ जोड़कर आप जिस भी मंत्र का जाप करना चाहते हो वो करें और ईष्ट को धन्यवाद दें। प्रयोग पूरा हुआ। आज की कीवर्ड यानी जादुई अक्षर है फलक वाला फा। इस फा शब्द को आप रेड कलर के पेन से अपने लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए 24 घंटे के लिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे ये धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द दूंगी, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। अगर आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं तो एक सफ़ेद कागज़ की चिट ले लीजिए, उस पर रेड कलर के पेन से लिख लीजिए, फोल्ड करके अपने पर्स या पॉकेट में रख लीजिए। 24 घंटे तक अपने पास रखिए, दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसको अगर अपनी मदर टंग यानी मातृभाषा में लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन प्रोनाउंसिएशन उसका फा ही होना चाहिए। आप मुझसे अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077506510। इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज के द्वारा प्रोसीजर पूछ सकते हैं। अगर आप मेरा वीडियोस देख रहे हैं, आप मेरे प्रयोग कर रहे हैं, तो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में आकर अपने अनुभव शेयर कीजिए, जिससे और लोगों को भी एक एक मिनट के इन प्रयोगों का फ़ायदा पता चले और वो भी इन प्रयोगों को करने के लिए प्रेरित हों। अब जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी का ये वर्ष शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से कामना है। उन सभी व्यक्तियों को एक सफ़ेद कागज़ की चिट पर रेड कलर के पेन से 1 यानी 1 नंबर लिखकर अपने पर्स या पॉकेट में वो रखेंगे तो ये वर्ष उनका शुभता के साथ बीतेगा। आज के दिव्य प्रयोग में, अगर दुर्भाग्य ने आपका पीछा नहीं छोड़ा है
आपको हर काम में सफलता नहीं मिल रही है, आपके हर काम अटक अटक कर हो रहे हैं या हो ही नहीं रहे हैं, या आप सारी कोशिशें करके थक गए हैं और आप टूट चुके हैं, तो आपको ये प्रयोग किसी भी दिन आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक दिन पहले जो आपको कपड़े पहनने हैं उन कपड़ों को आप पहन लीजिए जिनको कि आप छोड़कर आ सकते हैं। दूसरे दिन रात में पहन लीजिए उन कपड़ों को। दूसरे दिन आप किसी नदी में स्नान करने जाइए, आप वहाँ पर कपड़ों सहित आप स्नान कर लीजिए। उसके बाद बाहर निकलकर उन कपड़ों को वहीं उतार दीजिए और नए कपड़े पहन लीजिए। उन कपड़ों को उतार कर वहीं पर आपको ये शब्द बोलने हैं, हे दुर्भाग्य, मैं आपको यहीं छोड़कर जा रहा हूँ, आप मेरे पीछे मत आना। इसके बाद आपको पलटकर नहीं देखना है और आप सीधे अपने घर आ जाइए। ये प्रयोग आप कभी भी और किसी भी समय कर सकते हैं। बस एक ही बार आपको ये प्रयोग करना है। आप देखेंगे इस प्रयोग करने के बाद आपके कामों में गति आने लगी है, आपके काम बनने लगे हैं। आई होप आपको ये मेरे प्रयोग पसंद आ रहे होंगे और आप कर भी रहे हैं। धन्यवाद। मैं कल फिर मिलूंगी अपने दो दिव्य प्रयोगों के साथ।